Subscribe to the ideal solution and press the bell icon for the further updates. Hey guys, what's up? This is PJ back with another one video and welcome back to Ideal Solution Show. दोस्तों, Ideal Solution ने एक बार फिर से आपके लिए लाई है ये नई न्यूज जो है इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शंस बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म हो गए हैं अब, और जहाँ पे हमें लग रहा था कि जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उन पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, इस बार टीमों ने वहाँ पे यूथ पर ज़्यादा भरोसा जताया है सारी टीमों ने। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 खिलाड़ी जो इस आईपीएल के सीज़न में मालामाल हो चुके हैं। इस बार ऐसे कई खिलाड़ी रहे जिनकी बेस प्राइस 20 लाख 50 लाख के बीच थी, लेकिन जब उन पर बोली लगी तो वो कीमत करोड़ों में पहुंच गई। तो ऐसे पहले खिलाड़ी है, सरप्राइज खिलाड़ी रहे कृष्णप्पा गौतम। इनकी बेस प्राइस थी 20 लाख रुपए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 6.2 करोड़ में खरीदा। यार ये भी मालामाल हो गए। इसके बाद आते हैं अगले खिलाड़ी दो नंबर पे, जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, जिनकी बेस प्राइस थी 40 लाख, लेकिन उन्हें खरीदा गया है राजस्थान रॉयल ने 7.2 करोड़ में। यार बहुत ही ज़्यादा है। तीसरे खिलाड़ी है कमलेश नागरकोटी जो है भारत के ऑलराउंडर, जिनकी बेस प्राइस थी सिर्फ 20 लाख और इन्हें मिल चुके हैं 3.2 करोड़। इन्हें खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की जो है भारत के ही बैट्समैन शुभमन गिल। शुभमन गिल है ये चौथे जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही खरीदा है, जिनकी बेस प्राइस थी सिर्फ 20 लाख रुपए और ये बिके है 1.8 करोड़ में। यार ये मालामाल बनते जा रहे हैं। और अब पांचवे खिलाड़ी की बात करेंगे हम, तो अगले खिलाड़ी है पांचवे शिवम मावी जो है भारत के ऑलराउंडर। बेस प्राइस थी इनकी 20 लाख रुपए और ये बिक चुके हैं 3 करोड़ में। यार नसीब वाले हो। अब छठे खिलाड़ी की बात करते हैं, 6 नंबर पे आते हैं भारत के बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी ईशान किशन, और भारत के विकेट कीपर, मतलब विकेट कीपर है ये, और इनकी बेस प्राइस जो है वो है 20 लाख रुपए और इन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 6.2 करोड़ में। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ईशान किशन, पिछली बार गुजरात रॉयल्स की तरफ से थे और बढ़िया खेले थे। और अब अगले खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं, अगले खिलाड़ी है एक और ज़बरदस्त खिलाड़ी जो है करुण नायर। भाई ये बहुत ही बढ़िया बंदा है और भारत का बैट्समैन है, 50 लाख रुपए बेस प्राइस थी और बिके है 5.6 करोड़ में। किंग्स इलेवन पंजाब ने इन्हें खरीदा है। अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, जो आठवें खिलाड़ी है वो है मयंक अग्रवाल। ये भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है भारत के, और बेस प्राइस थी इनकी 20 लाख रुपए और इन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने ही खरीदा 1 करोड़ में। और अब आते हैं नौवे यानी सेकंड लास्ट प्लेयर पे जो है राहुल त्रिपाठी। भैया इनकी बेस प्राइस थी 20 लाख रुपए और इन्हें खरीदा है 3.4 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत ही महंगे महंगे खिलाड़ी खरीदे हैं। और आखिरी खिलाड़ी के पास चलते हैं जो है कॉलिन डिक्रेंड होमी। अजीब नाम है यार। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है जिनकी बेस प्राइस थी 75 लाख और इन्हें मिले 2.2 करोड़। इन्हें खरीदा है आरसीबी ने यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बढ़िया सी वीडियो जो आईपीएल ऑक्शन के बारे में थी, जो गरीब से गरीब खिलाड़ी को भी मालामाल कर सकती है, ऐसी वीडियो ये थी, तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल के वीडियोस को लाइक करो। मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हो, वो बहुत ही बढ़िया है। नीचे कमेंट दो अगर आपको कोई सुझाव देना हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।